नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये स्वेटर का डिजाइन बनाना बताने जा रही हूँ। आप इसको स्वेटर में या बॉर्डर में की किनारी बना सकते हैं और ये कार्डिगन या साल वगैरह में भी ये डिजाइन डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन हमारी ये है, और ये डिजाइन दोनों तरफ से पड़ती है। मैं आपको ये भी बनाना बताती हूँ। ये देखिए मैं थोड़ी सी फंदे में बता रही हूँ। ये देखिए इस डिजाइन को, ये देखिए हम इसमें फंदे दो के सेट में डालिए, और ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे। इस डिजाइन को हम पहले ही सलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने पहला फंदा उतार लिया और इस मैंने धागा को आगे किया। अब ये दो फंदे हम, ये देखिए इस तरह से दो फंदे को इस तरह पर आगे की साइड से लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए हमने बिन लिया, फिर ये देखिए इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे को फिर एक साथ लेंगे, फिर इस तरह से बिन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे एक साथ ऐसे बिन लेंगे, ये फिर धागा आगे किया, फिर दो फंदे, और ये दो फंदे को हम एक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे फंदे हमें से करना, ये धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे को एक, ये देखिए इस तरह से हमने पूरा बना लिया, और ये एक फंदा हम बीन लेंगे। अब ये हम उल्टी सिलाई में आ गए। ये हमारी उल्टी सिलाई को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि डिजाइन ये दोनों तरफ से ही पड़ती है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और अब हम दूसरा फंदा इस तरह से बीन लेंगे। ये देखिए हमने दो फंदे बीन लिए। अब हमारी ये जाली वाला फंदा है, तो इसको हम ऐसे फंदे चढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से जाली, और ये दो फंदों को हम जाली वाला एक अलग इसको ऐसे हम बीन देंगे, ये देखिए। फिर हम इसको ऐसे उल्टा ऊपर चढ़ाएंगे धागे को, और फिर ये दो फंदों को एक साथ हम बीन देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर इसको ऐसे ऊपर, बस खाली किनारे में ध्यान रखना है कि हमें जाली से ही शुरुआत करनी है, और ये देखिए हम ऐसे बीन लिया। फिर इसको आगे, और ये हम फिर से, ये देखिए इस तरह से बीन लिया। अब ये हमारे दो फंदे हैं, एक जाली का है एक उसको, तो इसको हम बीन लेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए हमने दो फंदे हैं इस तरह से हमने बीन लिए पूरे सीधे सीधे उल्टे उल्टे। अब ये देखिए हम फिर से सीधी साइड में आ गए, और ये देखिए डिजाइन हमारी अब पढ़ना शुरू हो गई है। अभी आपको समझ में नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है, अभी हम फिर से बता रहे हैं आपको। ये हमारी मैंने दो लाइनें बीन ली, अब ये मेरी तीसरी लाइन है। ये पहला फंदा हमने उतार लिया और धागा आगे किया, और हम डिजाइन के लिए फिर देखिए फिर उसी तरह से एक ये फंदा हमारा एक ये दो फंदों को हम इस तरह से आगे से लेके और ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लिया, फिर धागा आगे किया, और फिर हम इस तरह से, ये देखिए बीन लिया दो फंदे का एक फंदा कर दिया, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये एक जाली वाला और एक ये बुनाई वाला, दो फंदे को हम एक साथ ऐसे बीन लेंगे, फिर धागा आगे, फिर यही इसी तरह से। ये देखिए एक ये जाली का फंदा, एक ये बुनाई का, और ये दो फंदों को हम एक साथ बना लेंगे, ये देखिए, फिर धागा आगे, फिर ये दो फंदे हम उसी तरह से एक बुनाई का एक ऐसा इसको हम ऐसे बीन लेंगे, ये देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए हमारी ये भी थर्ड रो है, अब डिजाइन हल्की हल्की समझ में आने लगी। और ये लास्ट का फंदा है, इसको हम एक फंदा सीधा बीन लेंगे जो हमारी ये सिलाई के काम आएगा। ये देखिए फिर पहला फंदा हमने उतार लिया, अब ये दूसरा फंदा हम बीन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए जाली वाला फंदा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान से रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलत कर देंगे तो हमारा ये पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। इसलिए हमें दो फंदे, अगर आप दो रखना चाहें किनारे तो दो भी रख सकती हैं। और इसको हमने ऐसे किया, और फिर यहाँ पे ऐसे फंदा चढ़ाएंगे, और ये देखिए हमारा जाली वाला और एक ये बुनाई वाला, इन दो फंदों को हम एक साथ बीनेंगे ऐसे, ये देखिए बीन दिया।
फिर ऐसे आगे चढ़ाएंगे, फिर हमें किनारे से ही ध्यान देना है, फिर बीच में कोई डिजाइन हमारी नहीं खराब होगी। फिर हम हर फंदे में ऐसे चढ़ाएंगे और ये दो फंदे का एक फंदा उल्टी साइड में कर देंगे। और ये हमारी अभी ये फोर्थ लाइन जा रही है और ये देखिए पूरा हम इसी तरह से बिनेंगे। अब ये हमारे लास्ट के दो फंदे रह जाते हैं, इनको हम ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए डिजाइन, अब ये देखिए ये मैंने चार सलाइयां बिनी है, डिजाइन ये हल्के हल्के दिखने लगे। इसी तरह से अगर हम अभी पूरा बनाएंगे, ये देखिए इसी तरह से पूरा बनाएंगे तो ये हमारी बहुत सुंदर किनारी बन जाएगी। और पहला फंदा तो हम सिलाई के लिए उतार ही लेते हैं हर बार। ये देखिए उतारा, फिर धागा आगे किया, फिर उसी दो फंदे का, एक ये जाली वाला फंदा और एक ये बुनाई वाला, दो फंदों को हम यही ध्यान से रखना है। शुरू में भी ध्यान देना है कि अगर आप दो रख रहे हैं यहाँ पे तो इस तरह से हमें एक जाली का फंदा, एक पैटर्न का फंदा, एक बुनाई वाला ऐसे लेना है। ये देखिए दो का एक कर दिया, फिर धागा आगे किया, फिर हमने दो फंदों का एक कर दिया, ये देखिए फिर आगे किया, फिर दो फंदों का एक कर दिया। ये देखिए, ये देखिए डिजाइन हमारी, अब ये मेरी सिलाई है। इसी तरह से हमें अब हर सिलाई हर बार रिपीट करनी है और हमारी ये डिजाइन इसी तरह से बनती जाएगी। ये देखिए, ये हमने पूरा और ये लास्ट का फंदा, ये देखिए, ये देखिए हमारी डिजाइन बन गई इसी। अब ये पूरा बना लेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न दिख रहा है, इसी तरह से ये पूरा डिजाइन आ जाएगी जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत बन के तैयार होती है। नमस्कार।